चलेंगे। चलो सालिया को भी बुला लो। अरे संदन बहन, आप कहीं जा रही? मैं अपनी बेटी के पास जा रही। वैसे ये भी आपकी बेटी का ही घर है, अगर वो समझे तो। जी बिल्कुल, जरूर समझेगी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी की है कि उसे बड़े छोटे की तमीज हो। अरे समधन, आप तो मेरी बच्ची की छोटी सी शरारत को दिल पे ही ले बैठी हैं। ऐसे ही बच्ची समझती रहेगी ना तो ससुराल जाके रोएगी। आपके मुंह में खाक, हमारी बच्ची क्यों रोए? बेखानदान बरादरी में बैठ के हमने अपनी बच्चियों का रिश्ता किया है, आपकी बच्ची की तरह नहीं। मेरा शहजादों जैसा बेटा फांस लिया है जिसने। बस बस जीनत बेगम, एक लफ्ज और नहीं। नहीं, आप भी तो हद करती हैं। नहीं, क्या हद करती हूँ मैं? चुप कर जा तू, जोरू का गुलाम कहीं का, पता नहीं कहाँ से लेके आया है चलित्तर चलाक औरत। मैं सच बोलती हूँ सबके सामने, आपकी तरह ना मिसरी नहीं हूँ मैं। शॉपिंग मेरे बेटे की कमाई की और नाम आपका। शहजाद, अब यहां रुकने का कोई जवाब नहीं रह गया। सौल्या, तैयार हो? चल, मैं अपना बैग लेके आती हूं। मम्मी, चले मम्मी। अब तू तो वापस आ जा रान मुरीद, तू वापस आ, फिर मैं तुझसे पूछती हूँ, पता नहीं कहाँ से ब्याह के लिए आया है। देखें वो जो प्रिंट्स हैं, हाँ प्रिंट्स का डाई बनना चाहिए कल तक, जब तक वो नहीं बनेगा हमारा काम आगे नहीं चलेगा। ठीक है, वहां मैं देख के आपको बताता हूँ। भी भाई, ये कुछ डिजाइन फाइनल किए हैं मैंने, आप एक दफा चेक कर लें तो फिर इनको आगे भिजवा दें। वेरी नाइस यार, बहुत जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन, कितनी अच्छी है। ये मेरा फेवरेट है। अच्छा जी, आप वो कोई काम था? राहिल बेटा, मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू अबू। आज संडे है तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम आलिया के घर चले। रियली अबू? अपनी अम्मी से कह दो कि आलिया के घर वालों को इन्फॉर्म कर दें, हम मिठाई लेकर आ रहे हैं। जी अबू, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप क्यों मान जाएंगे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। जी अच्छा, वो मैं कह रहा था कि अपनी अम्मी से को उन्हें इन्फॉर्म कर दें। जी अबू। अबू, आप लोग आलिया के घर जा रहे हैं? हाँ बेटा। मगर अबू, कल उनका रवैया। कल की बात को जाने दो। मगर अबू, अगर मैं राहिल को मना करूंगा तो वो मेरी बात नहीं समझेगा, लेकिन जब जमाना उसे समझाएगा तो वो समझ जाएगा, जैसे मैं अपनी जिंदगी में ये समझ के आके जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान देती है।